बाबर आजम हमारे बाबर साथ हैं। बाबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैच को सम अप करें और देन फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ प्लीज जाएंगे। बिल्कुल जी, जैसे आपने देखा आज का मैच और जैसे हम स्टार्ट किया बैटिंग में, अनफॉर्चुनेटली हम वैसा टोटल नहीं कर पाए जैसे हमने चाहा था, जो सोचा था, लेकिन क्रेडिट देते हैं बैट्समैनों को ही, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जितना उन्होंने विकेट को जितना टोटल हमें दिया वो बिल्कुल जी। इस एक साल बाद हम वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा सा रस्ती थे, बेनिफिट देना चाहिए सब प्लेयरों को। तो एक साल बाद हमने वनडे क्रिकेट खेली है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मैच में नजर आएगी। और बिल्कुल जैसे बॉलिंग में आए तो बॉलिंग में हमने चाचा स्टार्ट किया, शहीन शाह आउटस्टैंडिंग और का डेब्यू था, वैसा ही हो पाया, लेकिन उसने जो तीन ओवर के बाद, चार ओवर के बाद उसका जो दूसरा स्पेल था उसने गेम में वापस लाए वो हमें, और फिनिश हुआ शहीन शाह और वहाब रियाज ने, वो आउटस्टैंडिंग रहा। और देखें जी, हमारा वनडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो ये क्वालिफाइड राउंड्स हैं तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, हमें इसको देख के चलना पड़ता है और कोशिश है कि कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि ऐसी जीत जो हम चाह रहे थे नहीं हो पाई, लेकिन जीत तो जीत है और काफी कॉन्फिडेंस है इस चीज से। थैंक यू बाबर आपका। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलूंगा। दानियाल, शायद हाशमी एंड देन आरफा। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर आप जब बैटिंग कर रहे थे तो आप अकेले बैट्समैन थे जो लग रहा था कि जरा थोड़ी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ इनिंग्स की एंटी को अप करना चाह रहे हैं, आप इंटेंसिटी लाना चाह रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो बैट्समैन थे वो उस तरह नहीं खेल रहे थे, 10 ओवर या 15 ओवर में अटैक करने वाली एक इंटेंट नजर उनमें नहीं आ रही थी जो आप में आ रही थी, तो आपके ख्याल में ये क्यों है और आप उनको आप डिसअपॉइंटेड थे कि किस तरह बैटिंग अप्रोच हुई बाकी आपके टीममेट से? नहीं देखें, जब हमने इनिंग स्टार्ट की थी तो विकेट थोड़ा सा डबल पेस था, कुछ कहीं बॉल आ रहे थे कहीं पे बहुत रुक के आ रहा था, तो वो थोड़ा सा आपको डाउट रहता है कि हम कौन सी शॉट खेलें, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज। तो कोशिश यही थी जब मैं अंदर गया था तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं कि आप पॉजिटिव रहो, आप विकेट को रीड कर किया आपने तो आप उस हिसाब से अपना प्लान करो। देखें होता है जब आपके आपके हाथ में जब चीज आती है या आप बैटिंग कर रहे हैं, आप सेट बैट्समैन हैं तो आप फिनिश करके नहीं आते हैं, तो फिर जो नया बैट्समैन आता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसी विकेटें हैं जब आप जो डबल पेस हो जिसपे बॉल कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, स्पिन हो रहा है, स्लो ब्रेक हो रहा है, तो वो नए बैट्समैन के आने में उसको थोड़ा सा मसला होता है। तो कोशिश यही है कि जो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेज हैं उसमें आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आएंगे। और जी शाहिद भाई एंड देन आरफा। जी शायद भाई आप क्वेश्चन करिएगा। बाबर अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो। ये बताइए कि तो कुछ लग रहा था उनकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी। शायद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज ऊंचा बोलिएगा। ब्रेंडन टेलर की इनिंग्स पे कुछ बोले और जब तक वो क्रीज पे थे कोई खौफ था कहीं मैच निकल जाए? बिल्कुल, देखें जिस तरह इनिंग्स खेला है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला है और अकेला वो मैच को वो लेके जा रहा था। नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे अपने बॉलर्स पे बिलीव था, जैसे शहीन वहाब रियाज एक्सपीरियंस वहाब रियाज हमारे साथ थे और उन्होंने शुरू में भी बॉलिंग की और फिनिश जो उन्होंने किया आउटस्टैंडिंग किया। शहीन शाह देखें वहाब रियाज एक्सपीरियंस काफ़ी है, लेकिन शहीन शाह भी अभी साथ साथ एक्सपीरियंस बॉलर बनते जा रहे हैं तो उनको अपनी बॉलिंग का पता है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस था अपने बॉलरों पे। देखें थोड़ी सी आप में थोड़ी सी आती है जब आप का जो ओपोनेंट जो खेल रहा है बैट्समैन सेट खेल रहा है तो वो आपके आपसे मैच निकाल भी सकता है, तो लेकिन ऐसा और जिसने उन्होंने फिनिश किया आपके सामने। जी आरफा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जीत की। बाबर आपसे मैं जो है वो जो लाइनअप की हिकमत अमली उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि हम लोग अगर इमाम आबिद को देखें तो उनका भी गीत तरह का लगता है, क्या उसमें फखर की कमी आपको? मैं
और फिर जब आप फिनिशिंग में तो खुशदिल शाह की आपको क्या कमी महसूस नहीं? और जिम्बाब्वे के बॉलर्स को अगर आप देखें तो उन्होंने स्पिनर्स को काफी बीच में रोल दिया था, तो उस्मान कादिर की क्या उसमें आपको कमी महसूस नहीं, अगर आप इसके बारे में बता सके? बिल्कुल जी, देखें इनिंग स्टार्ट जब आप करते हैं तो कोशिश ही होती है कि आपके मेरे ख्याल से स्टार्ट अच्छा था। बात फिर वही करूंगा, फिनिश नहीं कर पाए इनिंग्स को बड़े टोटल में, बड़े उसमें फिनिश नहीं कर पाए, फिर लंबी इनिंग्स में फिनिश नहीं, मैच फिनिश जो एंड में बैट्समैन था वो बिल्कुल हम उस चीज को लैक कर रहे हैं। इफ्तिखार खिलाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने वो प्ले नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जैसे उसने T20 में अपनी इतनी इनिंग्स खेली या फिनिश करता मैच तो हो जाता है एक मैच में, लेकिन कोशिश यही करूंगा कि बैक करूं उनको। जी आमिर, देन नुमान। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, बहुत बहुत मुबारक हो विक्ट्री का, आपकी ओडीआई कैप्टनसी का डिब्बे भी था। क्या बताएंगे कि हमने देखा कि आमिर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज। जी आप मेरी अब आवाज आ रही? हेलो जी बाबर, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है, अब आ रही है। अच्छा नहीं बाबर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि काफी हाई परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने आज खेले, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है आपके लिए? बिल्कुल जी, देखें रस्टी भी थे कुछ सारी टीम, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एक साल से हम वनडे क्रिकेट नहीं खेले पाए, और हम जो प्रैक्टिस मैच में जो खेले थे उसमें थोड़ी सी मोमेंटम मिला था, तो जब आप खेलते हैं किसी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट तो बिल्कुल ये पॉइंट है, हमने काफ़ी डॉट बॉल खेली है, लेकिन बात फिर करूँगा कि विकेट थोड़ा सा डबल पेस था, कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से फिनिश अच्छा हुआ जो हमने टोटल सोचा था, और वो नहीं हो पाया लेकिन उसके आसपास हमने फिनिश किया उसको। जी नुमान एंड देन खुरम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस मैच में कामयाबी पर। बाबर जिस तरह अरफा ने भी आपसे पूछा टीम कॉम्बिनेशन का, सबसे पहले तो ये बात क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि पाकिस्तान का वनडे चैंपियनशिप का पहला मैच था तो पाकिस्तान ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करेगा, लेकिन गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान को अगले दो वर्ल्ड कप 3 सालों में इंडिया में खेलने हैं, तो क्या आपके नजदीक ये स्ट्रेटजी के दो स्पिनर्स को वनडे में भी ट्राई किया जाए? ये बात मानने की है कि चूंकि शादाब इंजर्ड थे इसलिए उन्हें नहीं खिलाया गया, लेकिन दो स्पिनर्स का वनडे में होना क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल देखें जी, जितनी भी हम मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट खेले हम दो स्पिनरों के साथ ही जाते रहे, और आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ऑलराउंडर खिलाता था जो फास्ट बॉलर था और जो दो हमारे 3 फास्ट बॉलर थे। बिल्कुल जी, इंडिया में आप अगर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो आपको वहाँ को स्पिन ट्रैक भी मिलता है, तो कोशिश यही होगी कि जो हमारी कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमें सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पता है कि थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती, वो चीज़ देख के हमने ऑलराउंडर खिलाया था, अदरवाइज हम जितने भी हम वनडे खेले हैं तो हम दो स्पिनर से जाते रहे। जी खुरम, शाकिर एंड जुल्फकार बेग प्लीज। जी बाबर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन कमजोर टीम है, तो आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की टीम आज के मैच में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती थी, मैच इतना क्लोज ना जाता? देखें मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, इजी नहीं ले सकते, बिल्कुल हमने गलतियां की हैं, टीम हमारी इम्प्रूव होने वाली में करनी चाहिए करनी है, और कोशिश होगी जो हमने मिस्टेक की हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और कोशिश यही होगी कि हम डे बाय डे चीज़ों को इम्प्रूव करें, जो हमने मिस्टेक की हैं उसको इम्प्रूव। जी शाकिर एंड देन ज़ुल्फ़िकार बेग।
बाबर मैं पूछना चाहूंगा एज अ कैप्टन कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह की कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस शाहिन शाह आफरीदी आपको दे रहे हैं पिछले 3 मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं और दूसरी तरफ आज के जो आपके टॉप बैट्समैन है परफॉर्मिंग में वो इंजर्ड हो गए एज अ कैप्टन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी काफी खुशी होती है जब आपके जो साथ खेले हुए जो साथ काफी देर से टीम में है तो वो जब आप परफॉर्म करते हैं जब आपको वो मैच जितवाते हैं तो उस चीज़ की खुशी बहुत होती है। और शाहिन शाह की तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है मुझे एज अ बॉलर वो, और जब भी मुश्किल टाइम है उसको बॉलिंग दो वो रेडी रहता है हर टाइम, कभी उसने हाथ नहीं खींचा, 110% देता है और फोकस है, फोकस के सामने आप देख लें और जब भी आप वो जब भी आप मैच में देखो उसको तो वो बॉलिंग में अपना एफर्ट लगाता है और जो जो सा मैच खेले वो जिसने आप पिछला नेशनल T20 देख लें उसमें जिसने देखें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उससे पिछले उठा के जितने मैच वो 110% देता है तो बहुत खुशी होती है। और बिल्कुल जी बैट्समैनों की बात करें इमाम ने अच्छा खेला, आबिद अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाया, वैसा स्टार्ट अच्छा दिया लेकिन वैसा फिनिश नहीं कर पाया, बिल्कुल अनफिट हुए हैं और देखेंगे अभी तो जाके पता लगेगा क्या सूरत हाल है उनकी, तो कल बैठ के डिस्कशन करेंगे अगर फिट तो चेंजेस आपको नजर आए। जी ज़ुल्फ़िकार बेग बाबर, स्पेक्टेटर के बगैर स्टेडियम में मैच खेलना और टीम की परफॉर्मेंस जुल्फ़िकार भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? आपका माइक म्यूट है। बाबर वे स्पेक्टेटर्स के बगैर ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है, क्या समझते हैं कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिस बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में कामयाबी हासिल की? बिल्कुल जी देखें बगैर क्राउड तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, हम काफ़ी मिस कर रहे हैं और स्पेशली पिंडी का क्राउड तो काफ़ी चेयर अप करता है, PSL के मैचेस भी हुए थे, श्रीलंका के साथ टेस्ट मैचेस में फुल पैक था स्टेडियम, ये चीज हम काफ़ी मिस कर रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट बिल्कुल जी जो टर्निंग पॉइंट जो टेलर आउट हुआ था वहाँ पे था कि मैच पूरा हमारे हाथ में आ गया। और देखें जब आपकी बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ जब आपके मेन बॉलर जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस होता है कि आपको कहीं से भी निकाल दे वो मैच निकाल के आपको दे सकते हैं, तो मुझे उन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। हैरी देखें डेब्यू था लेकिन उसने भी बाद में बहुत अच्छा फिनिश किया, तो ओवरऑल ऑलराउंडर बहुत ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से। जी थैंक यू वेरी मच। आप सबका एक जस्ट एक अनाउंसमेंट है, कल टीम प्रैक्टिस ऑप्शनल है 4 बजे से 6 बजे तक, पाकिस्तान टीम एंड जिम्बाब्वे टीम की होगी जी, प्लीज थैंक यू।